रीवा मध्य प्रदेश में वाहन चोर गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे, 15 मोटरसाइकिलें हुई बरामद। चोरी की गाड़ी में करते थे नशे का कारोबार। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने मामले का किया खुलासा। जिले में नशे के सौदागर नित नए तरीके अपनाकर नशे का कारोबार कर रहे एक और पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह नशे के खिलाफ सघन अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी ओर नशे के सौदागर नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि इटावा बाईपास के पास नशीले कफ सिरप बेचने की सूचना विश्वविद्यालय पुलिस को मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय पुलिस ने मौके से राजेश उर्फ छोटू साकेत एवं रोहित पुरुष नीरज विश्वकर्मा को पकड़ा था। पकड़े गए आरोपियों के पास से 37 शीशी नशीले कफ सिरप एवं एक पल्सर मोटरसाइकिल चली गई थी। जब पल्सर मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ की गई तो पता चला कि वह चोरी की है। इसके बाद पुलिस ने गहन पूछताछ शुरू की तो चोरी की 15 मोटरसाइकिलों का खुलासा हुआ, जिनकी कीमत तकरीबन 1,00,000 बताई जा रही है। पूछताछ के बाद एक और आरोपी नीरज सोंधिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि 7 मोटरसाइकिल थाना विश्वविद्यालय की, 4 मोटरसाइकिल सिविल लाइन्स की, 2 मोटरसाइकिल थाना महिला व 1 सिटी कोतवाली, 1 मोटरसाइकिल अन्य मोटरसाइकिल का पता चला है। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल मोबाइल छीनने व अन्य घटना को अंजाम देने में किया जाता था। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। मालूम होगा कि थाना विश्वविद्यालय द्वारा के नेतृत्व में CSP साहब, हमारे CSP साहब, नए CSP साहब जो हैं प्रसाद साहब के नेतृत्व में, और थाना प्रभारी समान, इन तभी तीनों लोगों की टीम ने एक बड़ी अच्छी कार्रवाई करी है, जिसमें दो ऐसे आरोपियों को कोरेस की सूचना पर गिरफ्तार किया, जिनके पास से कोरेस की 37 शीशियाँ मिली थी, और उसके बाद से उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने पूछताछ में करीब 15 वाहन चोरी करना बताया। 15 वाहनों में, जिनकी सूचीबद्ध हमने जानकारी तैयार की है, उन 15 वाहनों में थाना समान के लगभग 7 वाहन है, सिटी कोतवाली का वाहन है, सिविल लाइन्स का है, विश्वविद्यालय का, रमैया थाने का है। तो कुल 15 वाहनों की जानकारी इन्होंने दी है। 15 वाहनों में 6 वाहन जब्त कर लिए गए हैं, बाकी वाहनों के लिए टीम भेजी गई है और उनकी भी जब्ती की कार्रवाई चल रही है। और ये पूरे 15 वाहनों के बारे में हमें ऑथेंटिक सूचना मिल गई और पूरे के पूरे 15 वाहन बरामद होंगे, और इसमें कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और मेरे आने के बाद जो है हमारे अधीनस्थ स्टाफ ने जो है सबसे बड़ी बरामदगी की है वाहनों की। इक्का दुक्का बरामदगी हो रही थी, लेकिन 15 वाहनों के मामले में बड़ी अच्छी कार्रवाई है, और इस पूरी टीम को उचित पुरस्कार दिया जाएगा और उनको और पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये नशे की तस्करी के लिए ये गाड़ियाँ चुराते थे कि बेचते भी थे? इन गाड़ियों बेचते भी थे, बेचने वाला पैसा नशे के रूप में भी यूज करते थे। अब चीज़ें जो है, आप जानते हैं कि कोरेस का नशा, जैसा कि मेरे ज्वाइन करने के समय आप सभी लोगों ने ही बताया था कि ज़िले की सबसे घातक बीमारी कोरेस का नशा है, और उसके बाद मैंने भी पाया कि ये नशा जो है वास्तव में पूरे ज़िले को तबाह कर रहा है। तो करीब मैंने जब से ज्वाइन किया तब से करीब 122 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं कोरेस के, और करीब इसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक वाहन और 1 करोड़ से अधिक का नशा जब्त किया जा चुका है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है इस ज़िले की, और न सिर्फ यह नशा जो है लोग पूरी 10 से लेकर 30 तक के उम्र के लोगों को तबाह कर रहा है, अभी तो यह नशा जो है लोगों को अपराध की ओर ले भी जा रहा है। ये जो आप देखते हैं कि मोबाइल स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, इस हर वारदात के अधिकांश मामलों में कहीं ना कहीं कोरेस का नशा इन्वॉल्व है। तो कोरेस के नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो निरंतर जारी रहेगा, और ये कोरेस का नशा वास्तव में रीवा के लिए एक अभिशाप बन रहा है, जिसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।